उसे अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था। It was essential to hospitalize her. उसके लिए दवाइयां खरीदना जरूरी था। It was essential to buy medicines for her. वह मरते दम तक अस्पताल में भर्ती रही। She had remained hospitalized until her death. पिछले एक महीने से उसका इलाज चल रहा था। She was undergoing treatment for the last one month. उसके परिवार ने उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए। Her family spent 3 lakh rupees for her treatment. वह सुबह 10 बजे मृत पाई गई। She was found dead at 10 a.m. in the morning. उसकी मौत के बारे में जानकर मुझे गहरा धक्का लगा। I was deeply shocked to learn about her death. मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। The cause of death isn't clear. उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। There were injuries on her body. पुलिस अब उसकी मौत की जांच कर रही है। The police are now investigating her death. उनके नुकसान के लिए हमें गहरा खेद है। We are deeply sorry for their loss. हम हमेशा उसके साथ साझा किए गए अद्भुत समय को याद करेंगे। We will always remember the wonderful times shared with her. उसे गहराई से मिस किया जाएगा। She will be profoundly missed. हम दोनों 2008 से साथ रहे। We both stayed together since 2008. लगभग 1500 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। Around 1500 people have applied for the job. बच्चे बस अपनी माँ के आदेशों का पालन कर रहे थे। The children were simply obeying their mother's orders. उनकी माँ ने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। Their mother has given them a very good upbringing. यह सुनकर वह गुस्सा हो गई। She was outraged by listening to it. वह गुस्सा हो गई और मुझसे लड़ने लगी। She got offended and started fighting with me. मैं इस तरह के व्यवहार को देखकर हैरान था। I was shocked to see such a behavior. मैं नहीं चाहता था कि वह अपना पैसा इस तरह बर्बाद करे। I didn't want him to waste his money this way. वह योजना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक लेगी। She will hold a meeting to discuss the plan. हम योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लेंगे। We will attend the meeting to discuss the plan. हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। We will have to accept this offer. प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।